Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the wonderful word. A wonderful words ki kya hai ki agar words jo hai hamare appropriate hote hain, agar hum apne koi bhi language jo hai hum बोलते हैं या अपने थॉट्स जो हमारे अंदर हैं, हमारे माइंड में चल रहे हैं, अगर उनको हमने जो है अपने माइंड से क्या करना है, ब्रिंग आउट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पोएटर्स ने बोला है कि किस तरह से जो है अगर हमारे अंदर क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं, बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, तो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अगर उनके लिए हमारे पास जो है हमारे अंदर जो है एक अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे, तो शब्दों पे जो है यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है कि अगर हमारे शब्द, अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, तो हम जो है अपने थॉट्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और उसे फ्रेमवर्क कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। डेकोरेट का मतलब यहाँ पे पोएटर्स ने यूज करा है कि किस तरह से हम जो है उसको एक जो है फ्रेम, अगर हमारे जो है सेंटेंस का जो है, अगर बोलने का तरीका जो है अच्छा है, तो आगे वाला जो है इंप्रेस हो जाता है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है मैरी ओनी, कौन है पोएटर्स इसके, द वंडरफुल वर्ड जो पोएम है इसके पोएटर्स रिटन बाय मैरी ओनी, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर ये वर्ल्ड जो है, संसार जो है, विदाउट अ वर्ड और वर्ड डिफरेंस, ठीक है, वर्ल्ड जो है हमारा अगर विदाउट लैंग्वेज होगा तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो हर कोई इंसान जो है, ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, सबका अपना 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 जो है एक लैंग्वेज होता है, कईयों का लोकल डायलेक्ट होता है, अपनी भाषा होती है, तो सब जो है कम्युनिकेशन जो है आपस में एक लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो और उसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, शब्दों को यूज करते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे आइडियाज जो होते हैं, उनको कौन बाहर निकालते हैं, वर्ड्स, शब्द। क्लियर? तो ये हमने कल जो है डिस्कस करा था, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में किस तरह से उन्होंने पोएटर्स ने बोला था कि जो हमारे थॉट हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, उनको इसी तरह से जो है हमने अपने अंदर नहीं रखना है, उन्हें खत्म होने नहीं देना है, और उन्हें जो है क्या करना है, बाहर निकालना है, और किसके थ्रू, वर्ड्स, शब्दों के, अप्रोप्रिएट वर्ड्स के थ्रू जो है हमें इनको बाहर निकालना है। और किस तरह से उन्होंने बोला है कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो क्या है, इट इज अ वंडरफुल लैंग्वेज टू पुट आउट योर थॉट्स, कि आपके जो थॉट्स हैं, पुट आउट योर थॉट्स, आइडियाज, ठीक है, और उसको जो है किस तरह से आएगा, विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अप्रोप्रिएट शब्दों के थ्रू जो है उसको बाहर लाओ, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड इट केयरफुली, अच्छी तरीके से जो है उसकी समझ में आ जाए। अगर हमारा फ्रेमवर्क जो है कोई भी सेंटेंस का है, या कोई भी हम काम करते हैं, अगर उसकी स्ट्रैटेजी होती है या फ्रेम कर देते हैं उसको, तो उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे शब्दों की है कि अगर कोई शब्द, कई जो है होता है ना कि कई जो है शब्द कैसे बोलते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं, तो सामने वाले को जो है कई बार क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। तो हमारे जो शब्दों का, जो हमारा अंदर जो शब्द है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शब्दों की जो है नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? नाउ मूव टू सेकंड स्टैंड। ये भी हमने कल करा था कि पोएट ने क्या बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है फुल ऑफ ट्रेजर, मतलब एक तरह से फुल ऑफ ट्रेजर मतलब इतनी ईजी लैंग्वेज है कि आप जो है उसके थ्रू जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खेल खेल में मतलब आप जो है सब कुछ जो है सीख सकते हैं, पढ़ना, खेलना, बोलना, अपने विचारों को रखना, तो सारी चीजें जो हैं किसके थ्रू जो हैं, क्लियर एक्सप्रेशन। द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, विच मींस एवरीवन कैन यूज इट इफेक्टिवली, ये मतलब इसको जो है इतने जो है फुल ऑफ ट्रेजर है इंग्लिश लैंग्वेज की, यू कैन प्ले इट, इसका मतलब है विच मींस कि एवरीवन कैन यूज इट इफेक्टिवली, यू कैन फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स, जो है क्या कर सकते हैं कि हम परफेक्ट वर्ड्स को यूज कर सकते हैं फॉर द थॉट्स और आइडियाज इन इन योर हेड, आपके माइंड में जो है या अपने आपके हेड में जो है थॉट्स चल रहे हैं, और अगर आपके पास परफेक्ट वर्ड्स हैं तो आप जो है उसको
विद एक्सप्रेशन जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन इट विद एक्सप्रेशंस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड नाइसली। डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। और कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर येट मैनी गुड थिंग्स। अब यहाँ पे पोएट ने लास्ट लाइन्स में क्या बोला है कि कुछ चीजें ऐसी हैं गुड थिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल वंस विच हैव नॉट बीन सेड एंड डन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे माइंड में चल रही हैं, परंतु हम क्या करते हैं उसको लैक ऑफ वर्ड्स, ये मतलब हम बोलना चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स आ रही है, हमारे विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, हमारे माइंड में आ रहे हैं, परंतु हमारे पास क्या है, वर्ड्स नहीं है, नॉलेज नहीं है उसकी, क्लियर। तो अगर हमारे पास लैक ऑफ वर्ड्स है, नॉलेज नहीं है, तो हम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बाहर कैसे निकालेंगे जब हमारे पास वर्ड्स नहीं है, राइट। द पोएट इज लेइंग स्ट्रेस ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज करेक्टली एंड कम्प्लीटली। तो यहाँ पे पोएटस जो है इस बात पे स्ट्रेस दे रही है कि लैंग्वेज को जो है हमें करेक्टली और कम्प्लीटली जो है लर्न करना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में चल रही हैं, हमारे विचार अच्छे हैं और हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और हम नहीं बोल सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वर्ड्स एंड नॉलेज। और कई बार होता है ना एग्जाम में कोई आपके पास कोई कंपोजिशन आया है लिखने के लिए, ऐसे आया है, आप लोगों के क्या होता है कई बार विचार आते हैं माइंड में कि अरे ये सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस है, परंतु आपको एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं समझ में आता है कि क्या मैं वहां पे लिखूं, राइट। तो वहां पे क्या होता है लैक ऑफ वर्ड्स और नॉलेज, तो वहां पे जो है आप जो है कंपोजिशन को अच्छी तरीके से जो है नहीं लिख पाते। तो यही पोएट जो है बताना चाह रही है कि किस तरह से जो है हमें जो है कोई भी लैंग्वेज होती है उसको जो है परफेक्टली और कंप्लीटली जो है लर्न करनी चाहिए। वर्ड्स आर द फूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि शब्द जो है वो क्या है, विचारों का खाना, ठीक है। और जो शब्द है और ड्रेस कौन है, उसके विचार, ठीक है। वर्ड्स आर द फूड, वर्ड्स क्या है, खाना है, एंड ड्रेस ऑफ थॉट, और जो विचार है वो उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेस नहीं है कि जो हम ड्रेस पहन रहे हैं या जो हम खाना खा रहे हैं उससे मतलब है यहाँ पे। यहाँ पे कहने का मतलब कि वर्ड्स आर द फूड, ठीक है। वर्ड्स क्या है, एक तरह से खाना है, और ड्रेस जो है थॉट जो है उसको कवर अप करते हैं। इट मींस वर्ड्स गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट। वर्ड्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऑफ एनी थॉट, कोई भी थॉट होता है और आइडिया जो तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। द पोएट इज सेइंग दैट नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी न्यू थॉट। और हमारे क्या है, दिमाग है हमेशा जो है क्या चलता रहता है, कभी नए नए विचार आते रहते हैं इसमें, तो हमेशा हमें जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर। अब लॉन्गिंग क्या होता है कि बिलोंगिंग, मतलब लॉन्गिंग मीन्स अपनी इच्छा जो होती है, टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। सबकी जो है इच्छा होती है कि हम क्यों है अच्छी बातें को जो है, सुंदर बातों को जो है सीखे, क्लियर। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। खाली जो वर्ड्स हैं वही हमारे विचारों को, जो हमारे थॉट्स हैं उनको फ्री कर सकते, क्लियर। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में जो है कोई विचार होल्ड हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि शानदार, मतलब मार्वलस मीन शानदार है, ठीक है, मस्तिष्क में चल रहा है, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज भी हो सकता है। शब्द ही जो है विचारों को क्या कर सकता है, यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। अब यहाँ पे प्रिजन एक वर्ड जो है यहाँ पे यूज हुआ है, प्रिजन,
तो यहाँ पे है जो नए विचार हैं, रीजन माने जेल, कि जो तुम्हारे दिमाग में जो नए विचार आ रहे हैं, जो होल्ड हो रखे हैं तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। शब्द जो है विचारों को क्या, यहाँ पे कहने का मतलब है जेल, मतलब अंदर ही रख सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। और मार्वलस शानदार जो है न्यू सरप्राइज, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट और आइडिया इन आवर माइंड्स। कि शब्द जो है सबको पता है शब्दों से क्या बनता है बच्चों, वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। तो अगर शब्द अच्छे होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, परफेक्ट वर्ड्स होते हैं, तो सेंटेंस भी उतना ही इफेक्टिव होता है। क्लियर? एक सिंपल सेंटेंस होता है, अगर उसी को हम जो थोड़ा सा मोल्ड करके लिख देंगे तो क्या होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो जो है मोर इफेक्टिव हो जाता है। तो वर्ड्स गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट और आइडिया इन आवर माइंड्स। द पोएट इज सेइंग दैट नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी न्यू थॉट्स, दे आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड सर्च्ड। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, आपके क्या होता है, अभी कुछ आई बात और सडनली क्या होता है, कई बार मम्मी कुछ काम बोलती हैं तो आप लोग क्या करते हो, अभी बोलेंगे हाँ, फिर तुम्हारे माइंड में कुछ और चलेगा तो कहेंगे नो 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 मम्मी आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, कि मेरे पास बहुत सारा काम है, आई कांट डू दिस, करते हैं ना ऐसे। तो माइंड क्या है, माइंड में जो है हमारे क्या होते हैं विचार जो है वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, राइट? तो उनको जो है हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके फ्रेम आउट करना चाहिए। दे येट नीड टू कम थ्रू, थॉट्स एंड आइडियाज आर केज इन आवर माइंड्स। अब थॉट्स और आइडियाज क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन सिंबलाइज करा है, किस किस को करा है, कि जो थॉट्स और आइडियाज हैं वो हमारे दिमाग में क्या है, एक पिंजरे के अंदर, यहाँ प्रिजन वर्ड यूज हुआ है ना, प्रिजन, प्रिजन मीन्स कैद, तो केज मतलब क्या है वो, केज इन आवर माइंड्स। थॉट्स एंड आइडियाज आर केज इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड में जो है वो पिंजरे में रखे गए हैं थॉट्स एंड आइडियाज। इफ एनीथिंग कैन सेट देम फ्री दैट्स वर्ड्स, और कोई चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझें इसको, कि यहाँ पे पोइटस क्या बोल रहा है, कि फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड आर योर आईज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। ठीक है, उसे बोले पहले क्या बोला था, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, कि हमारे माइंड में, माइंड को क्या बोला है, केज, और उसके अंदर क्या है, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और यहाँ पे पोइटस ने बोला है कि उनको वहां से फ्री करना, जैसे जेल से कैदी को फ्री करते हैं ना, तो उस सिमिलरली अगर हमारे थॉट्स और आइडियाज जो हमारे माइंड रूपी केज में है, अगर प्रिजन में है, अगर उनको हमें बाहर निकालना है, तो किसके थ्रू निकाल सकते हैं हम, ओनली थ्रू वर्ड्स, शब्दों के थ्रू जो है हम उनको वहां से फ्री कर सकते हैं अपने विचारों को। क्लियर? वर्ड्स एलोन कैन गिव क्लियर एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड आइडियाज। जब आप कोई स्पीच बोलते हैं या कोई आंसर देते हैं, ठीक है, जब तक दिमाग में है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, परंतु जब आप बोलते हैं, कोई भी बात करते हैं, चाहे फ्रेंड से करते हो, टीचर से करते हो, किसी से भी करते हो, तो क्या करते हो, कुछ भी बोलते हो तो आपके हाथ भी चलते हैं, फेस का एक्सप्रेशन चलता है। तो कोई भी थॉट को अगर हम वर्ड्स के थ्रू जो है बाहर निकालते हैं तो क्या होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस टू थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, वर्ड्स अलोन कैन गिव, खाली शब्द जो है वो जो है हमें एक्सप्रेशन भी देते हैं। वर्ड्स अलोन कैन गिव क्लियर एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड आइडियाज। वर्ड्स अलोन कैन अर्न देम प्रेज, खाली शब्द, अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो लोग आपको प्रेज भी कर सकते हैं, राइट? सो इट्स अ मस्ट टू लर्न एंड परफेक्ट आवर लैंग्वेज। तो कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके कोई लोकल डायलेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, उसको जो है हमें अच्छे से परफेक्ट जो है क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। कौन बोल रहा है ये, पोइटस बोल रही है, क्योंकि जब तक हमें उस लैंग्वेज की जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने थॉट्स को जो है अच्छी तरीके से जो है फ्रेम नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्लियरली। क्लियर? तो इट इज अ वेरी इजी पोएम है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि वर्ड्स
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस. किसी भी वाक्य में शब्दों का एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है. क्यों होता है? विदाउट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अगर अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे या लैंग्वेज नहीं होगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू एक्सप्लेन हिज और हर थॉट. बहुत मुश्किल होता है किसी को भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना अगर अप्रोप्रिएट वर्ड की नॉलेज ना हो या लैंग्वेज की. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है साइड में जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ईच सेंटेंस, ईच पैराग्राफ का, स्टैंजा का जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है. तो आई होप क्लियर हो गया होगा. अभी हम इसकी समरी देखते हैं. तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द समरी ऑफ द होल पोएम. अभी हमने स्टैंजा वाइज पढ़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने बताया था. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हैंड रेज करके जो है पूछ सकते हैं. क्लियर? तो अभी हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम. द वंडरफुल वर्ड्स, शब्द, शानदार शब्द, क्योंकि बोली से ही जो है सामने वाला एक्सप्रेस होता है. तो आपके अगर शब्द अच्छे हैं, आपका सेंटेंस अच्छा है, तो सामने वाला आपको जो है प्रेस करेगा, अरे देखो कि कितना अच्छी बातें करी है इसने, कितने अच्छे थॉट्स रखे हैं. क्लियर? तो मैन इज अ गिफ्टेड एनिमल हु कैन थिंक कैन स्पीक. एक आदमी ऐसा है जो कि अच्छे से क्या कर सकता है, सोच सकता है और बोल सकता है. और इसको हम कह सकते हैं मैन इज अ गिफ्टेड, कि हमें ये गॉड ने जो है गिफ्ट दिया है कि हम जो है सोच भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है मैन क्या है, एक क्या है, गिफ्टेड एनिमल है, हु कैन स्पीक एंड थिंक. Every man knows at least one language as it is a must to give expression to thoughts, ideas and feelings. तीन चीजें ध्यान में रखना, thoughts, ideas, feelings. ये सारे हमारे mind के अंदर चलती है, क्योंकि इनको खाली हम क्या कर सकते हैं, express कर सकते हैं. और express किसके through करेंगे हम, शब्दों के through, sentence के through. और sentence कब बनेगा, शब्दों से बनेगा. ठीक है, शब्दों से क्या बनता है, sentence बनता है. राइट? तो जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, तो हर आदमी को, एवरी मैन, क्या आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे कि वो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सके. क्लियर? ऑल पीपल थिंक एज वेल एज स्पीक. सारे लोग जो हैं सोच सकते हैं, बोल सकते हैं. अब एनिमल को देखेंगे तो एनिमल क्या है, सोच तो सकता है बट कांट एक्सप्रेस. एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल तो सकता, शब्द तो नहीं निकाल सकता खाली अपने जो है. राइट? द पोएट एडवाइजेस द रीडर्स टू वर्क ऑन देयर लैंग्वेज. तो पोएटर्स ने जो है यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो है कोई भी भाषा हो उसकी तरफ जो है हमें ध्यान देना चाहिए. टू वर्क ऑन देयर लैंग्वेज एंड लर्न इट स्किलफुली. द पोएट सेज दैट वी ऑल नो वन लैंग्वेज एट लीस्ट. हम सबको जो है हमें बचपन से सिखा देते हैं, जैसे आप लोग हैं तो आपको क्या है, एक आपकी हिंदी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश चलती है और एक लोकल डायलेक्ट चलता है, जो यहाँ पे रहता है वहीं की जो है लोकल डायलेक्ट बोलता है. तो उसकी हमें क्या होती है, नॉलेज होती है, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें अपनी फीलिंग्स को लाना है बाहर, किस तरह से हमें अपने थॉट्स को लाना है. तो किसके थ्रू लाते हैं, हमने अपनी लैंग्वेज के थ्रू लाते हैं. और लैंग्वेज किससे बनी है, शब्दों से बनी है. क्लियर? वी ऑल हैव ए मदर टंग, so we must have good command over it. हमारी मदर टंग होती है तो उसपे क्या होता है, हमारा पूरा कमांड होता है और हम इजीली जो है अपने थॉट्स या फीलिंग्स को, आइडियाज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? वी शुड नॉट लेट एनी आइडिया गो और फेड जस्ट बिकॉज वी डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर इट. Rather, conscious effort should be made to find words to express it clearly. अब क्या होता है कि अगर हमें कमांड है, अगर किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में हमारा प्रॉपर कमांड है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आइडियाज हैं उनको अंदर नहीं रख सकते, उसको क्या करते हैं, कॉन्शियस होके जो है हम जो है अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करके उसको एक्सप्रेस कर देते हैं. अगर हमारा कमांड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो आइडियाज हमारे क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे. ठीक है, तो इसीलिए पोएट ने कहा है कि लर्न इट स्किलफुली, जो अपनी भी कोई भी लैंग्वेज है उसको जो है अच्छी तरीके से उसको याद करें. इट
माइट बी पॉसिबल दैट आइडिया डज वंडर्स. अब वो हमारे आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं. अब क्या होते हैं, अगर हम किसी को कुछ हम कुछ बोलना है हमें, तो अपने आइडियाज दे सकते हैं कि तुम भाई ऐसे करो तो आगे बढ़ जाओगे. तो किसका आइडियाज, तो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, कई कई बार जो है बहुत ज्यादा जो है वंडर्स कर जाते हैं. इंग्लिश इज अ वंडरफुल एंड रिच लैंग्वेज. जैसे पोएटर्स ने बताया था कि इंग्लिश इज अ वंडरफुल एंड रिच लैंग्वेज. वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट इन दिस लैंग्वेज विदाउट एनी हेजलेस क्लियरली एंड फ्लॉलेसली. मतलब कॉन्टिन्यूसली फ्लॉलेसली जो है, अगर जो है उन्होंने कहा इंग्लिश जो है एक वंडरफुल रिच लैंग्वेज है, इसके थ्रू जो है एक कोई भी जो है अपने थॉट्स को जो है एक्सप्रेस कर सकता है फ्लॉलेसली. द नीड इज टू लुक फॉर द करेक्ट एंड राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज क्लियरली. अब क्या होता है कि हमने ठीक है बोल दिया, परंतु उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है कि हम जो है राइट वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर मान लो गलत वर्ड यूज करेंगे तो जो हमारे थॉट्स हैं उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा और मे भी जो है सामने वाले को अच्छा ना लगे. तो इसके लिए जो है हमें जो है सोचना पड़ता है कि कहीं हम गलत वर्ड तो यूज नहीं कर रहे हैं. टू एक्सप्रेस आर आइडियाज और थॉट्स, तो जो हमारे विचार हैं उनको जो है हमें जो है विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स और राइट टाइम पे कौन सा हमें जो है वर्ड यूज करना है उसको यूज करके हमें बोलना चाहिए. द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू गिव एक्सप्रेशन टू आर थॉट्स और आइडियाज इज आवर वर्ड्स. अब यहाँ पे पोएटर्स कह रही है द मोस्ट ब्यूटिफुल वे, कौन सा तरीका है कि सुंदर तरीके से जो है अपने थिंग अपने जो थॉट्स हैं उनको जो है बाहर हम लाएं. द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू गिव एक्सप्रेशन टू आर थॉट्स और आइडियाज इज आवर वर्ड्स. क्लियर, अगर आपको कुछ बोलना है आपके माइंड में चल रहा है ठीक है और आप उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों को बताना चाहते हैं ठीक है, तो अगर शब्द आपके अच्छे नहीं होंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे, तो वो तरीका जो होगा अच्छा नहीं होगा. तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर थॉट्स और आइडियाज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे शब्दों को चुनना पड़ेगा और सोच समझ के जो है हमें बोलना चाहिए. कई बार ये होता है ना कि मदर फादर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ढंग से बोलो, सोच के बोलो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्या बोलते हैं कि जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, आता है ना. तो आप लोगों का क्या है कि थोड़ा सा जो है उसको सोचे कि आप किससे बात कर रहे हैं, अगर बड़े से बात करें तो रिस्पेक्टफुली उससे बात करें. तो ये किसके थ्रू बोल रहे हैं आप, थॉट्स किसके थ्रू आ रहे हैं आपके शब्दों के. तो मेनली जो है पूरी पोएम में किस पे स्ट्रेस दिया गया है आपको, शब्दों पे दिया गया है कि शब्द जो है शानदार शब्द होते हैं ठीक है. तो उसी के थ्रू जो है सॉरी हम अपने क्या करते हैं थॉट्स को आइडियाज को फीलिंग्स को जो है ब्रिंग आउट करते हैं फ्रॉम आर माइंड. एवरीवन लव्स टू हियर, अ पोएट ने लास्ट लाइनों में क्या बोला था, एवरीवन लव्स टू हियर न्यू एंड गुड थिंग्स. अब हर कोई क्या चाहता है, अब अगर मैं मान लो रोज क्लास में आऊंगी आपको एक ही चीज पढ़ाऊंगी तो आपको क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैम तो देखो रोज एक ही चीज पढ़ा रही है और आज तो मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर एक ही चीज पढ़ाती है राइट. तो हर आदमी को, तो यहाँ पोएट्स क्या बोल रहा है कि हर व्यक्ति को जो है एवरीवन लव्स, सबको अच्छा लगता है नई नई बातें सुनना राइट. हियर न्यू एंड गुड थिंग्स, अच्छी अच्छी जो है बातों को सुनना या अच्छा जो है हम सुने, क्योंकि अच्छा सुनेंगे वैसे ही हम बेयर करेंगे. तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला है कि एवरीवन लव्स टू हियर न्यू, नई चीजें और अच्छी बातों को जो है हर कोई जो है सुनना चाहता है ठीक है. अगर कोई रिपीट करता रहेगा तो बोर होगा, अरे ये तो बहुत बोरिंग है, हम तो जो है यहाँ नहीं जाएंगे, ये तो बोर करता रहेगा. तो सबको चाहिए कि जो है नई बातें हो, अच्छी बातें हो, वो सुनना चाहता है. द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू मास्टर द लैंग्वेज, और इसके लिए क्या करना है आपको, वी नीड टू मास्टर द लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज में जो है मास्टर होना चाहिए, मतलब पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, किसको किस तरह से इम्प्रेस करना है या किसके साथ हमें कैसे बात करनी है. एंड फाइंड द राइट वर्ड्स, और उसके लिए जो है अगर हमें नॉलेज होगी प्रॉपर तो हम क्या करेंगे, राइट वर्ड्स जो है राइट टाइम पे राइट वर्ड्स और राइट पर्सन के लिए हम यूज कर पाएंगे.
एवरी थॉट इज लाइक अ प्रिजनर और अ केस बर्थ इन आवर माइंड. अब यहाँ पे जो प्रिजनर वर्ड यूज करा है, मे बी आगे क्वेश्चन में आ सकता है कि हमारे माइंड के लिए बोला है कि हमारा माइंड क्या है, एक प्रिजन है जहां पे हमने थॉट्स को, विचारों को जो है हमने कैद करके रखा है. और उनको कौन बाहर रखा निकालेगा? वी कैन सेट दैट आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. शब्दों से हम उनको जो है बाहर निकाल सकते हैं. माइंड रूपी केज, प्रिजन के में जो कैद हैं उनको हम शब्दों से बाहर निकाल सकते हैं. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द थॉट मे बी मार्वलस. और जो भी विचार होते हैं सबको पता है कि बहुत अच्छे होते हैं, मार्वलस होते हैं, शानदार. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द पोयम द वंडरफुल वर्ड रिटन बाय मैरी ओ नील. तो अगर आप लोगों की कहीं पे समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो आज हमने पोयम जो है कंप्लीट कर ली है, कल हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज कर सकते हैं अपना हैंड. समझ में आ गया बच्चों? अच्छा लगा आपको? वेरी इजी पोयम. ओके, आप घर में जाके सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.